हेलो दोस्तों, मैं हूं जगन और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो इंसान के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लूटूथ पैनल के बारे में। दोस्तों पिछले भी एक वीडियो में मैंने एक ब्लूटूथ पैनल के पूरा वायरिंग का एक वीडियो डाला था, तो उसी तरह आज भी और एक टाइप के ब्लूटूथ पैनल का आज हम वायरिंग करने वाले हैं। दोस्तों आज हम जिस टाइप के ब्लूटूथ पैनल की वायरिंग करने वाले हैं वो उसका वायरिंग से लेकर सब कुछ यूजर मैनुअल तक सब कुछ ईजी से ईजी है और ये मोस्ट कॉमनली भी हर जगह पर यूज होता है, जो कि इस तरह है। दोस्तों आप देख सकते होंगे इसी तरह के ब्लूटूथ मॉड्यूल है, आप फिगर पर भी उस तरफ दिख पा रहे होंगे। उस तरह के ब्लूटूथ मॉड्यूल के आज हम पूरा कनेक्शन करने वाले हैं। इसका कनेक्शन बहुत इजी है, जानने के लिए इसके कनेक्शन के बारे में वीडियो में बने रहिए और आगे देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए फिलहाल वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने अनबॉक्सिंग कर लिया है इस ब्लूटूथ पैनल को। ये रहा इसका पैकेट, ये है इसका रिमोट कंट्रोलर और यही है ब्लूटूथ सर्किट, वही जो ब्लूटूथ पैनल का किट है। और ये उसके साथ दो जंपर्स दिए गए हैं जो कनेक्टिंग वायर्स दिए गए हैं। तो दोस्तों ये तो है इसका कंट्रोलिंग रिमोट। अभी देखिए यही है, बस यहाँ पर देखिए दोस्तों सॉकेट दिया गया है। यहाँ पर दो सॉकेट, यहाँ पर एक रेड वाला और एक वाइट वाला, इन्हीं दो सॉकेट में ही हमारा पूरा कनेक्शन होगा। तो फ्रंट में इसका फैसिलिटी दिया गया है, इसके यहाँ पर एक लार्ज साइज डिस्प्ले दिया गया है, यहाँ पर यूएसबी एक दिया गया है, उसके साथ ऑक्स पिन भी दिया गया है, उसके साथ एक टीएफ कार्ड के लिए स्लॉट भी दिया गया है, उसके साथ जो हमारे स्विचेस कंट्रोलर भी यहाँ पर दिया गया है। ये इसको दबा के रखने पर हमारा वॉल्यूम कम होता है, इसको दबा के रखने पर हमारा वॉल्यूम बढ़ता है। ये प्रीव्यू का बटन है, एक बार क्लिक करने पर प्रीव्यू और इसको एक बार क्लिक करने पर नेक्स्ट। और ये है हमारा पॉज और स्कैन, अगर हम एफएम कर रहे हैं तो इसको दबाने पर हमारा स्कैन होता है। और यह है मोड, यहाँ पर मोड चेंज होता है, यूएसबी मोड हो, टीएफ कार्ड मोड हो, ऑक्स मोड हो या फिर ब्लूटूथ मोड हो। दोस्तों ये है हमारा ब्लूटूथ पैनल। दोस्तों चलिए इसका अभी वायरिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो लाल कलर पर दो पिन आप दिख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए आप दो पिन दिख रहा होगा आपको। दो पिन में दोस्तों यहाँ पर है एक प्लस 5 वोल्ट और एक ग्राउंड। यहाँ पर देखिए ये दोस्तों ये लिखा है यहाँ पर, आपको दिखाई नहीं दे रहा, प्लस 5 वोल्ट और ग्राउंड। ये देखिए लिखा है प्लस 5 वोल्ट और ग्राउंड, मतलब ये वाला हो गया हमारा 5 वोल्ट इनपुट दिया होगा, इस प्लस 5 वोल्ट पर नेगेटिव दिया होगा और प्लस 5 वोल्ट पर पॉजिटिव दिया होगा और नेगेटिव दिया होगा ये जो ग्राउंड लिखा है ग्राउंड पर। और उसके साथ साथ यहाँ पर दोस्तों ये जो चार कनेक्टर्स पर ये वाला जो सबसे इस साइड का जो है ANT लिखा है, ये है एंटीना का, एंटीना मतलब ये जो हमारा FM का जो वायर निकलता है उसी का एंटीना का ये वायर। और यहाँ पर लिखा है दोस्तों LOGA और RO, इसका मतलब है ये जो आउटपुट L, ये है L आउटपुट, ये है R आउटपुट और ये है ग्राउंड। ये पैनल का आउटपुट है, मतलब हमारा सर्किट बोर्ड का मतलब एम्पलीफायर सर्किट का इनपुट है। यहाँ से हमारा ऑडियो इनपुट निकल के आता है, देखिए यहाँ पर हमारा इसी से ऑडियो इनपुट निकल के आता है जो हम एम्पलीफायर्स पर लगाते हैं। तो दोस्तों इसका कनेक्शन मैं आगे आपको अच्छे से भी समझा दूंगा, तो चलिए पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको डायग्राम भी दे रखा है, आप डायग्राम के अनुसार इसका कनेक्शन अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों कनेक्शन करने से पहले हम देखेंगे कि डायग्राम, क्योंकि दोस्तों आगे जाकर हम जितने भी कनेक्शन करने वाले हैं वो इस डायग्राम के अनुसार है। अगर आप कनेक्शन कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप डायग्राम को फॉलो करके आराम से कनेक्शन जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, ये जो दो टर्मिनल्स आप दिख पा रहे होंगे जहाँ पर प्लस और माइनस लिखा है, यहाँ पर आप डायरेक्ट DC सप्लाई दे देंगे, 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट का इनपुट दे देंगे डायरेक्ट DC सप्लाई। याद रखिएगा इस पर जितने भी इनपुट सप्लाई जाएगा वो सब DC ही जाएगा, ऐसी जाएगा तो हमारा पैनल जो है ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जाएगा, हमारा 5 वोल्ट का DC सप्लाई जाएगा। अगर आपके पास 5 वोल्ट का DC सप्लाई अवेलेबल नहीं है, आप सीधा एम्पलीफायर से लाना चाहते हैं 12 वोल्ट का सप्लाई, दोस्तों तो क्या करेंगे, आपको 7805 का एक MOSFET चाहिए होगा जिसको हम कुछ इस तरह से कनेक्शन कर लेंगे। और यहाँ पर हम 12 वोल्ट का सप्लाई देने पर हमारे यहाँ पर आउटपुट 5 वोल्ट का निकलेगा जो जाकर हमारे सीधे पैनल पर लग जाएगा। और ये याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर सिर्फ DC ही देना है, ये जो 12 वोल्ट DC आपको इनपुट देना है, ये सिर्फ 12 वोल्ट जो इनपुट देना है ये आपको सिर्फ DC ही देना है। तो आप चलते हैं इसके अगले कनेक्शन की ओर। और इसका अगला कनेक्शन है दोस्तों, यहाँ पर जो देख सकते हैं आपको 4 टर्मिनल दिख रहा होगा, 4 टर्मिनल से जो ब्लू कलर का 1 नंबर का टर्मिनल है दोस्तों, ये है हमारा FM का एंटीना टर्मिनल। दूसरे जो पिंक 2 नंबर का टर्मिनल आपको दिख रहा होगा, दो नंबर का टर्मिनल है आपका
जो ऑडियो आउटपुट का, ये जो बाकी जो तीन टर्मिनल रहेगा वो रहा ऑडियो आउटपुट का टर्मिनल, उसमें से दो नंबर का है एल, चार नंबर का है आर और तीन नंबर का है ग्राउंड वाला टर्मिनल। ये जो एल और आर मतलब ये दर्शाता है कि ये जो बोर्ड है हमारा स्टीरियो बोर्ड है, ये जो बोर्ड है हमारा स्टीरियो बोर्ड है। अगर हम एल और आर को आपस में शॉर्ट करके सिर्फ दो तार निकालते हैं, एक होगा एल आर और दूसरा होगा ग्राउंड, अगर इस तरह से दो तार हम निकालते हैं तो ये बन जाएगा हमारा मोनो बोर्ड। दोस्तों मोनो क्या है, स्टीरियो क्या है, मैंने तो पिछले वीडियो में एक बताया था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। अगर सिंगल चैनल हुआ तो वो होगा, वो कहलाएगा हमारा मोनो बोर्ड। अगर दो चैनल होगा जिस पर ये एल और आर आउटपुट या फिर इनपुट होगा तो उसको हम बोलेंगे स्टीरियो। तो दोस्तों ये फिलहाल स्टीरियो है, आप इसको स्टीरियो कनेक्शन कर सकते हैं या फिर मोनो कनेक्शन कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके एम्पलीफायर के इनपुट के ऊपर। तो दोस्तों ये है हमारा डायग्राम, तो इसी डायग्राम के अनुसार हमें कनेक्शन करना है, तो चलिए फिलहाल कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है इस ब्लूटूथ पैनल को, आप इसका कनेक्शन हमारे डायग्राम के थ्रू से देखकर कर सकते हैं। मतलब हमारा डायग्राम एकदम करेक्ट डायग्राम है और क्लियर भी डायग्राम है, आप उसको देखकर भी अच्छे से कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी आप इसका काम देखिए, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो पैनल है हमारा ऑन हो चुका है और यहाँ पर BT लिखा हुआ दिख रहा है, BT का मतलब है ब्लूटूथ मोड। अभी हम इसको इस मोड स्विच को प्रेस करके हम इसका मोड भी चेंज करेंगे, तो अभी ये लिख रहा है 87.5 FM, मतलब ये हो गया हमारा FM मोड। अब एक बार प्रेस करने पर AUX लिखता है, मतलब ये जहाँ ये इस पर हम ऑक्स कर लगा के अपने फ़ोन से डायरेक्टली ऑक्स केबल के थ्रू से चला सकते हैं म्यूजिक। और एक और बार क्लिक करने पर ये लिखता है REC का मतलब दोस्तों ये है कि अगर यहाँ पर TF कार्ड लगा होता होगा तो ये ऑटोमेटिकली TF कार्ड को प्ले करेगा, अगर यहाँ पर USB लगा होगा तो ऑटोमेटिकली USB के थ्रू से भी म्यूजिक प्ले करेगा। दोस्तों इसका इनपुट क्या है, हमारे ये जो 44-40 के एम्पलीफायर सर्किट है उसी पर। तो दोस्तों हमने इसको लगाया है, ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है इसको हमने लगाया है 44-40 के एम्पलीफायर बोर्ड के साथ। दोस्तों अगर आप भी इसको लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं हमारे कनेक्शन के जो डायग्राम के अनुसार। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बात है, इस ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल को है आप इसको किसी भी एम्पलीफायर से भी लगा सकते हैं, जितने वाटेज का हो भी चलेगा, किसी भी एम्पलीफायर पर आप इसको इनपुट देने के काम में लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ साथ बेल वाले आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं नए नए इस तरह से वीडियोस अपलोड करूँ आपको पहले ही नोटिफिकेशन और आ जाए। और एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इस तरह से ब्लूटूथ पैनल ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन के लिए। बस इतना ही, मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।